एक्स लर्निंग स्टेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अलजेब्रा का कुछ जनरल प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, बहुत जनरल बेसिक है। सबसे पहले ज़रूरी बेसिक नॉलेज लीजिए आप, उसके बाद धीरे 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 इसको अपग्रेड करेंगे। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो अपग्रेडेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले बेसिक चलिए, सबसे पहला क्लास मैं अलजेब्रा का लेता हूँ। आप पहले से बहुत पहले से जानते होंगे कि ए प्लस बी, जरा गौर से देखें आप। अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो आज से जान लें। जो भी कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न है ना, उस कंसेप्ट को आज क्लियर कर लें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी। ये सब लोग जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और उसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। एक चीज़ ध्यान देने का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। सिर्फ डिफरेंस है इस टू ए बी में, ए प्लस बी में ये प्लस टू ए बी है, ध्यान देंगे, और ए माइनस बी स्क्वायर में माइनस टू ए बी। आदमी विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है कि ए माइनस बी में माइनस होगा, ए प्लस बी में प्लस होगा, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, बेसिक चीज़ है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओनली डिफरेंस है प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी। क्लियर? ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए टेस्ट के लिए क्वेश्चन देखिए आप, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा, इसको देखने से पहले, अगर ये तो इन सिंपल फॉर्म में आया, अगर मान लिया कि इस फॉर्म में हो ए प्लस वन बाई ए इसका होल स्क्वायर, सपोज कीजिए आप, तो इसका होल स्क्वायर निकालने के लिए ये प्लस में है, ये फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी टू इंटू ए बी। ये ए से कट जाएगा, ये आपको बचेगा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू। ठीक, ए प्लस वन बाई टू स्क्वायर, ये आपको बराबर होगा इतना। ये इसलिए बताया कि अभी इस पर एक प्रॉब्लम आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आना चाहिए पहले से। एक क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन देखिए आप, भागे नहीं, अगर भागेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, भागते रह जाएंगे आप। सीखिए, मैथमेटिक्स सीखने की चीज़ है, क्लियर कंसेप्ट रखने की चीज़ है। ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर, सपोज कीजिए कि ये पहला है, कहता है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर फाइव है, कुछ भी रख ले आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। x प्लस वन बाई एक्स बराबर पाँच है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये सब सवाल पूछा हुआ है, पूछता रहता है। इसके लिए अभी हमने आपको फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद होगा कि a प्लस वन बाई ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर और प्लस टू। अभी दो एक मिनट पहले मैं करके गया था, ये इसी का फॉर्मेट है, इसी का फॉर्मेट है, और ये दोनों जो है फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट इसका है। बहुत आसान, इसका मतलब हुआ इस तरह के सवाल में आपको एक्स स्क्वायर पूछता है, फॉर्मेट आपका यही है, ये जो फॉर्मेट है यही है। इस एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर को इस फॉर्मेट में अगर दिया है तो इसको लिख सकते हैं वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बराबर पाँच का स्क्वायर, पहले एक्सप्लेन करके दिखाते हैं फिर ट्रिक बताएंगे। इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन बाई एक्स, पाँच का स्क्वायर होगा पच्चीस, ये एक से ये एक्स कट जाएगा। एक स्टेप और आइए, एक्स स्क्वायर
प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, उधर 25 है, इधर प्लस 2 है, ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो साइन इसका बदलेगा, 25 में से 2 घटाएंगे 3 होगा, ये इसका आंसर हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ये बराबर होगा 23 के। अब इसका ट्रिक जानिए, ये तो मैथमेटिकल जनरल कैलकुलेशन है, बहुत लंबा समय लेगा, अब इसका ट्रिक जानिए, ट्रिक क्या कहता है, यही एग्जामिनेशन में ध्यान देना है आपको। कि अगर यहाँ x प्लस वन बाई एक्स बराबर समथिंग है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मांगता है, यानी कि दोनों प्लस है, ध्यान देना है, अगर ये x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 होता और आपसे पूछता कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो उसका नियम दूसरा है, अगर दोनों साइड प्लस हो, सवाल जो पूछा है वो भी प्लस और जवाब जो पूछा है वो भी प्लस, ये अगर दोनों प्लस हो, दोनों साइड प्लस हो, तो इसके लिए ट्रिक रखिए, टी आर के हम शॉर्ट में लिखते हैं, कि ये जितना के बराबर होगा, ये जितना के बराबर होगा उसको स्क्वायर करना है और माइनस 2 घटाना है। कैसे माइनस 2 घटेगा, हमने करके दिखा दिया, यानी कि 25 को स्क्वायर करेंगे, 5 को, तो 25 और माइनस 2 ये होगा 23, सेम आंसर हुआ जैसे पहले लाए थे 23, वैसे अभी आया 23। ठीक, माइनस 2 करेंगे 23, इसका जवाब आ गया। याद रखना है कि x में x प्लस वन बाई एक्स, एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स, दोनों में अगर प्लस साइन है तो माइनस होगा, अगर दोनों में माइनस साइन है या दोनों में से किसी एक में भी माइनस साइन है तो फिर वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक उल्टा। आगे देखते हैं, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, x माइनस वन बाई एक्स ये इक्वल टू है 7, यानी कि 7 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अभी मैं आपको बोल के गया कि दोनों में से कोई एक साइन नहीं मिलता है, यहाँ माइनस पूछ दे रहा है क्वेश्चन, जवाब पूछ रहा है प्लस का, जब यहाँ प्लस था तो घटा दिया था, जब यहाँ प्लस था तो घटा दिया था, अब यहाँ प्लस है लेकिन सवाल में ये है माइनस, इसको भी टेक्निक है कि इसमें से 2 घटाना है कि 2 जोड़ना है, इसको 2 घटाना है कि 2 जोड़ना है, तो इसमें बस याद रखना है कि अगर माइनस हो तो जोड़ देना है, प्लस हो तो घटा देना है, यानी ये x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 7, यानी इसे 7 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस इसमें 2 कर दीजिए, 7 × 7 = 49 और प्लस 2 ये होगा 51, यही आपका आंसर होगा। इसको टेस्ट करके आप देख लीजिए, आप इसको टेस्ट करके देख लें, कैसे टेस्ट करके देखेंगे, याद रखेंगे 51 आंसर मैं इसमें लाया हूँ, इसको एक्सप्लेन करके देख लें कि एक्सप्लेन से कैसे आता है। सपोज कीजिए कि x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर कर, इसलिए कि स्क्वायर मांगता है, ये बराबर होगा 7 का स्क्वायर, यानी कि ये होगा 49 इक्वल टू, यानी या x ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू वन बाई एक्स, ये बराबर होगा 49 के, ये एक्स कट जाएगा, ये उठ के इधर चला जाएगा, 49 + 1 बराबर 51, यही आपका आंसर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 51, यही अभी हमने प्रूफ किया था ट्रिक से, TRK जो लगाया था कि ये माइनस वाला जितना के बराबर हो उसका स्क्वायर कर दीजिए और इसमें प्लस 2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा बराबर 7 × 7 = 49 और प्लस 2 ये होगा 51, दोनों आंसर एक दूसरे के सेम है। पसंद आपको आए, जो आए पसंद इसको करें, ट्रिक को करें, इसलिए कि समय बचाना है, अगर समय नहीं बचा तो फ़ायदा क्या हुआ। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को होल्ड करके, ठहरा के, पॉज करके देखें और समझें कि क्या ट्रिक है इसमें, कैसे इसको शॉर्ट आउट किया, हर तरह का क्वेश्चन इससे बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1-3 देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि a प्लस वन बाई ए इक्वल टू एक्स, तो a माइनस वन बाई ए
इक्वल टू व्हाट, इसमें दुनिया बदल गई। इस तरह का जब भी है कि अगर सवाल में प्लस दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, सवाल में प्लस दिया हुआ है और जवाब में माइनस दिया हुआ है, याद रखिए, सवाल में प्लस दिया हुआ है, जवाब में माइनस दिया हुआ है, तो कोई एक चीज़ को पकड़िए, जवाब को ही पकड़िए, आंसर को ही पकड़िए आप, तो इसका फॉर्मूला याद कर लें आप, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रूफ करना है इसको, फॉर्मूला इसको याद कर लें कि अगर जवाब में माइनस है इसी सेम फॉर्मेट में, न इसमें स्क्वायर है, न क्यू है, न फोर है, न फाइव है, न सेवन है, ए प्लस वन बाई ए और ए माइनस वन बाई ए एक ही फॉर्मेट है, दोनों का पावर एक एक है, तो इस तरह का अगर सवाल हो इसका फॉर्मूला होता है ये ए माइनस वन बाई ए, इसका फॉर्मूला होता है ये ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू जितना दिया हुआ है उसका स्क्वायर, इसमें से माइनस चार घटा दीजिए, जो जवाब निकल के आएगा वही इसका आंसर होगा। समझ में आ गई बात, a माइनस ए बराबर जो होगा इस यही निकालना है हमें, a माइनस ए बराबर होगा a प्लस वन बाई ए का स्क्वायर माइनस चार, जो रिजल्ट आएगा वही होगा। दूसरा देख लीजिए, अब दूसरा इसी में जैसे a प्लस जैसे इसी में दूसरा x प्लस वन बाई एक्स, तो ए से चल रहा है ना, इसमें है कि a माइनस वन बाई ए ये बराबर x है, तो a प्लस वन बाई ए ध्यान दीजिएगा बराबर व्हाट, यहाँ ठीक एक दूसरे का उल्टा है, a प्लस वन बाई ए बराबर a माइनस वन बाई ए था, यहाँ a माइनस वन बाई ए है तो पूछ रहा है a प्लस वन बाई ए, ठीक एक दूसरे का उल्टा है, सिर्फ यही ध्यान देना है कि यहाँ माइनस है कि प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस फोर करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस फोर करेंगे, यानी कि a प्लस वन बाई ए ये बराबर होगा रूट अंडर a माइनस का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस फोर, यही आपका आंसर निकल के आएगा। दिक्कत, क्लियर कंसेप्ट, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस फोर घटाएंगे, अगर यहाँ प्लस है प्लस तो प्लस फोर घटाएंगे, बहुत क्लियर है कि माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस, कोई झमेला नहीं है, कहीं से कंसेप्ट को फंसने का कोई काम नहीं है, कन्फ्यूज होना ही नहीं है। अगर जवाब में माइनस मांगता है तो माइनस घटाइए, जवाब में प्लस मांगता है तो प्लस जोड़ दीजिए। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मान के चलिए चार, कहता है कि यदि a प्लस वन बाई ए इक्वल टू पाँच, तो ए स्क्वायर वन बाई ए स्क्वायर बराबर व्हाट, अगर ये नहीं पूछ के अगर आपसे तत्काल ये पूछ देता कि a प्लस वन बाई ए इक्वल टू यही रहता एग्जाम्पल, a प्लस वन बाई ए इक्वल टू पाँच और a माइनस वन बाई ए इक्वल टू व्हाट, अभी आपको बता दिया है कि सवाल में है पाँच, आंसर में मांगता है माइनस, इसको ध्यान देना है, ये प्लस है ये माइनस है, हम आपको अभी फॉर्मूला बता चुके हैं, वन बाई ए ए माइनस वन बाई ए बराबर रूट अंडर इसका स्क्वायर 25, यहाँ माइनस है तो माइनस चार कर दीजिए, यानी 25 माइनस ये आपको चार हो जाएगा, 25 में से चार जाएगा तो 21 होगा, रूट अंडर 21 आंसर होगा। ठीक है, बना कि नहीं बना, रूट अंडर 21, इसी का सवाल नंबर पाँच देख लीजिए, ये कहता है ध्यान दीजिएगा, यदि a माइनस वन बाई ए इक्वल टू सात, तो a प्लस वन बाई ए इक्वल टू व्हाट, वही चीज़ उलट दिया, यहाँ a प्लस वन बाई ए था, यहाँ a माइनस वन बाई ए है,
यहाँ पूछा था ए माइनस वन बाई ए बराबर वाट, यहाँ बता रहे हैं ए प्लस वन बाई ए बराबर वाट, आपको बता चुके हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, वही ट्रिक अपनाना है, टी आर के ट्रिक अपना दीजिए कि ए प्लस, इसको हल भी कीजिएगा तो उतना ही आपके पास आएगा, इक्वल टू यही होगा ए माइनस वन बाई ए का स्क्वायर यानी सात का स्क्वायर, और ये प्लस है इसलिए इसमें प्लस जोड़ दीजिए, ये देखिए सात सत्ते उनचास और प्लस चार, ये कितना होगा नौ चार तेरह, ये होगा तिरपन, रूट अंडर तिरपन इसका जवाब होगा, रूट अंडर तिरपन इसका जवाब होगा। ये क्लियर कंसेप्ट हुआ, ये अभी झमेला तो नहीं होगा ये प्लस में माइनस में। आइए एक दूसरा पैटर्न देखते हैं, होल्ड करके देखिए, समझिए ये बेसिक चीज़ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ है। सवाल नंबर एक छः और सिक्स और देख लीजिए, ये कहता है कि यदि, ये कहता है कि यदि ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू पाँच है या हो तो ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर बराबर वाट। अब फिर देख लीजिए, यहाँ उसने प्लस दिया सवाल में तो जवाब में ये माइनस मांग रहा है, यहाँ इसका पावर एक है, यहाँ इसका पावर दो है, सवाल बदल गया। सवाल बदल गया ना, तो ये प्लस वाला है माइनस वाला में दे रहा है, तो माइनस वाला में फिर गए, लेकिन ए स्क्वायर नहीं रहता तो वो रूट वाला फार्मूला लगाते, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो रूट वाला फार्मूला लगाते। आप पहले से पढ़े हुए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक, इसको मान लीजिए ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए बी स्क्वायर, ठीक है सर। तो सवाल बनाने के लिए आइए, ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर, ये इसी फॉर्मेट में इसको ए मानिए, इस पूरे को बी मानिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस वन बाई ए इंटू ए माइनस वन बाई ए लिख सकते हैं, इसी फॉर्मेट को हमने यहाँ डाल दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे वन बाई ए स्क्वायर, यही फॉर्मेट इसका हुआ, ठीक, बराबर आइए आप, और आपको पता है कि ए प्लस वन बाई ए बराबर पाँच है, तो पाँच गुने ए माइनस वन बाई ए निकालना है आपको, और ये भी आपको पता है कि जब ए प्लस वन बाई ए बराबर इतना है तो ये क्या होगा, पाँच गुने रूट अंडर, अब वो पच्चीस का स्क्वायर, सॉरी पाँच का स्क्वायर, वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, पाँच का स्क्वायर माइनस है तो माइनस घटा दीजिए, यानी कि पाँच गुने ये पाँच का स्क्वायर पच्चीस होगा, पच्चीस में से चार घटा लीजिएगा बराबर पाँच गुने ये पच्चीस में से चार घटेगा तो ये इक्कीस होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फाइव इंटू रूट अंडर ट्वेंटी वन, यही आपका जवाब हो गया, फाइव रूट अंडर ट्वेंटी वन यही आपका जवाब हो गया। अगर ए के फॉर्मेट में है ए स्क्वायर पूछता है, हो सकता है ए फोर भी पूछ दे, ए क्यू भी पूछ दे, ए सिक्स भी पूछ दे, ए फाइव भी पूछ दे, ए सेवन भी पूछ दे, इसके पूछने का कोई सीमा नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है। अगर माइनस में है यही ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ला के इसी फॉर्मेट में शॉर्ट आउट करना है, और ये पाँच आपको इस ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू यहाँ पाँच ऑलरेडी दे रखा है, वहाँ इनपुट कर दिए, ए माइनस बी का वैल्यू निकालते हैं कि अगर ए प्लस वन बाई ए बराबर पाँच है तो ए माइनस वन बाई ए क्या फार्मूला आपको हम बताए हुए हैं, उसका रूट माइनस है तो माइनस कर दीजिए, अगर ये प्लस रहता है तो प्लस कर देते। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, क्लियर, कंसेप्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बना के आप तक पहुँचाने से, कोशिश है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सात देख लीजिए, कहता है कि
एक्स माइनस ऐसे लिखिए आप, एक्स माइनस वन बाई एक्स ये बराबर है सेवन के, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर व्हाट? अभी देखिए वहाँ प्लस माइनस था, यहाँ दोनों में माइनस है, देखिए आप दोनों में माइनस है। अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? इसके लिए भी बहुत आसान तरीका, परेशान होने का काम नहीं है। एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर सात, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना? तो सीधा सीधी सेवन का स्क्वायर कर दीजिएगा, उनचास गलत जवाब हो जाएगा। इसको बनाने के लिए आप इसको लिख सकते हैं कि सेवन स्क्वायर वन बाई सेवन स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर होगा तो इसका ए प्लस बी होता है, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक फॉर्मेट होगा एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर एक्स प्लस वन बाई एक्स और इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर ये दिया हुआ है सात, इसको सात से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो ये माइनस में है और इसका वैल्यू प्लस में है, तो क्या करेंगे? जो बराबर है उसका स्क्वायर करेंगे और प्लस चार करेंगे, मल्टीप्लाई सात करेंगे, सात सात उनचास होगा और प्लस चार होगा, ये रूट के अंदर है तो मल्टीप्लाई सेवन है, उनचास और चार कितना होगा? शायद तिरपन होगा ये, तो तिरपन गुने सेवन, इसको फॉर्मेट में ले आइए, सेवन रूट अंडर तिरपन, यही आपका जवाब हुआ। सेवन रूट अंडर तिरपन यही जवाब हुआ। इसको दुनिया का कोई भी तरीका से बना लीजिए, ऐसे ही बनेगा, यही ट्रिक इसमें अपनाइए, नहीं तो फंस जाइएगा कि एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का सात, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर सात को गुना कर दीजिए, सात सौ उनचास टिक लगा के ये जवाब रहेगा, ऐसा नहीं लगाना, ये गलत है, ये जवाब है, ये जवाब है सेवन इंटू सॉरी रूट अंडर 53, ये जवाब है एक्चुअली। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ सात का स्क्वायर में माइनस टू ए भी कहाँ जाएगा, ये प्लस माइनस कहाँ जाएगा, इसलिए ऐसा गलती मत कीजिएगा, ये जवाब गलत है, ये जवाब आपका सही है, यही जवाब आपका सही है। और जानिएगा, आइए एक सवाल और आपको बता देते हैं, एक सवाल और जान लीजिए, गर्मी बहुत है, आपको भी गर्मी लगती होगी। एक सवाल और जान लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर आठ, ये जान लीजिए, ये क्या कहता है कि x माइनस वन बाई एक्स बराबर सात, तो x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर वाट? फिर थोड़ा प्रॉब्लम आपको आएगा, यहाँ x माइनस वन बाई एक्स है, जवाब पूछ रहा है x प्लस वन बाई एक्स। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता नहीं है, ये आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर सात, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? अभी आपको ट्रिक बता के हम गए हैं कि ये अगर माइनस में है तो ये प्लस में अगर होगा तो रूट अंडर सॉरी इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी सात का स्क्वायर और प्लस टू इसमें जोड़ दीजिए, ये कितना होगा? सात सत्तर उनचास और प्लस टू ये बराबर होगा इक्यावन, यही इसका आंसर हो गया। चाहिए तो आप होल स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, चाहे आप तो होल स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं, चाहे आप तो इसका होल स्क्वायर करके आप निकालिए, यही जवाब इक्यावन आएगा। आगे एक सवाल और देख लीजिए, गर्मी बहुत है, क्वेश्चन नंबर नाइन, ये कहता है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट फाइव, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? ठीक है, x प्लस वन पॉइंट फाइव बराबर क्या होगा? तो इसको डायरेक्ट रख सकते हैं या इस पोर्शन को उठा लीजिए आप राइट साइड को, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स
ये हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स। आपको पता है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर दिया हुआ है रूट फाइव, ये बच जाएगा x माइनस वन बाई एक्स, ठीक। और एक फार्मूला बता दिया कि अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट फाइव है तो x माइनस वन बाई एक्स बराबर इससे कैसे ड्राइव करेंगे आप, कैसे ड्राइव करेंगे आप, x यहाँ बराबर हो गया रूट फाइव और इनटू x माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, रूट के अंदर फाइव का स्क्वायर और माइनस, ये माइनस में है तो माइनस टू लिखेंगे। इस रूट से ये कट जाएगा, यानी कि ये फाइव रूट पहले का मल्टीप्लाई इस रूट के अंदर बच जाएगा पाँच माइनस दो, ये बराबर होगा रूट फाइव इंटू रूट थ्री, पाँच में से दो गया तीन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा रूट पंद्रह। रूट पंद्रह इसको जरा ऐसे समझिए आप, ऐसे समझे आप इसको ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। रूट फाइव आ गया, अब एक्स माइनस एक्स ऐसे समझे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर दिया हुआ है रूट फाइव और इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू निकालने के लिए एक्स माइनस वन बाई एक्स का फॉर्मूला बताए हुए थे कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर फाइव होगा तो रूट अंडर बराबर जो होगा उसका स्क्वायर करना है, तो बराबर इतना स्क्वायर करेंगे, ये माइनस में है इसलिए माइनस चार घटाएंगे और रूट फाइव से इसको मल्टीप्लाई सॉरी रखिए तो इतना निकलेगा, ये बराबर होगा रूट अंडर इस रूट से ये दो कट जाएगा, इसलिए कि रूट का वैल्यू होता है वन बाई टू, यानी वन बाई टू को दो से मल्टीप्लाई करेंगे ये कट के आ जाएगा वन। अब ये क्या बच जाएगा रूट अंडर के अंदर में, ये बच जाएगा पाँच माइनस चार, ये होगा रूट अंडर एक, इसका वैल्यू हुआ एक, यहाँ इसका वैल्यू इनपुट कर दीजिए बराबर रूट अंडर फाइव मल्टीप्लाई वन, ये बराबर होगा रूट फाइव। आगे आंसर गलत था, ये आंसर सही है, क्षमा चाहते हैं, ये रूट फाइव इसका जवाब होगा, इसका जवाब आपको रूट फाइव होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डालिए, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। और अलजेब्रा में जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा आप अलजेब्रा को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है, इसको समझिए, जानिए, वीडियो को रोकना हो तो रोकिए और समझिए। और फिर वही, अगर हमारा वीडियो, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, आपको ये आज़ादी दी हुई है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, और दोस्तों के बीच, भाइयों के बीच जो भी इच्छुक लोग हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, डिज़ायरस हैं सीखने के लिए एग्जामिनेशन पर्पस से, उन तक हमारा ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय।